hello my dear students in this lecture we will discuss about the some languages which is used in sql this is the second part of sql and in this session we will discuss about dml data manipulation language in the data manipulation language we will use three commands insert update and delete as a data analyst, the majority of your work will focus on insight generation and you will be working with DML commands. And DML commands are insert, update, and delete. So, how we proceed with the insert command? Whenever we, use, uh, whenever we need to insert our uh, data in a table, we use data manipulation language. Uh, with the help of insert, delete, and update, we use to or uh, modify the data. suppose we uh, the syntax of the insert command is like insert into the table name insert into table name table name आपका कुछ भी हो सकता है जो भी आपने दिया है suppose अगर हम दे दें class ten class ten एक table name है उसके अंदर हमारा column one column two column three and son so और अब उसमें हमें values डालनी है तो value one will go to column one value two will go column two value three कॉमन कॉलम थ्री ओके इंसर्ट इंटू पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कोई टेबल है उसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कस्टमर का नेम हो सकता है आई डी हो सकता है सिटी हो सकता है और रीजन हो सकता है और उसमें जब हमें वैल्यूज पुट करनी है तो किस में जाएगा कस्टमर आई डी सपोज हमारा क्या है वन ज़ीरो वन और कस्टमर का नेम क्या है राम सिटी न्यू डेली एंड रीजन साउथ वेस्ट एंड सोन सपोज सेकेंड जो कस्टमर uh, होगा उसकी आई डी सी वन ज़ीरो टू है नेम उसका शाम है और सिटी नोएडा एंड रीजन उसका नॉर्थ होगा एंड सोन जितनी भी हमें आईडी डालनी है सबका ऐसे डाल देंगे तो अब हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा इसका जो आउटपुट मिलेगा वो आपके टेबल में इस फॉर्मेट में मिलेगा कस्टमर आईडी नेम सिटी एंड रीजन वन ज़ीरो वन वन जीरो टू वन ज़ीरो थ्री ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा जब आपका वन ज़ीरो वन आपने यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर नाम क्या आएगा राम शाम एंड ये डॉन क्लियर सिटी कौन सा था हमारा न्यू दिल्ली नोएडा एंड मुंबई साउथ वेस्ट नॉर्थ एंड वेस्ट तो ये जो होगा ये हमारा क्या है सैम्पल टेबल है जो हमें मिलेगा हमारी इंसर्ट कमांड से जो कि हमने इसमें फिल किया है क्लियर है ये डिटेल्स हमें मिल जाएंगी तो इंसर्ट के थ्रू आप डेटा के अंदर एंट्रीज को फिल कर सकते हैं अब देखते हैं अपडेट कमांड से क्या होगा अपडेट मॉडिफाई मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल अगर टेबल के अंदर किसी आईडी को चेंज करना है नेम को चेंज करना है रीजन को चेंज करना है या सिटी को चेंज मतलब कोई भी अगर आपको मॉडिफिकेशन करनी है तो विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड वी कैन डू इट इन दिस एस तो मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल अपडेट सेंटेक्स क्या बनेगा अपडेट टेबल नेम टेबल नेम कुछ भी हो सकता है जैसे हमने ऊपर देखा था तो हमने क्या था पर्सनल इंफॉर्मेशन एक टेबल था और मैंने आपको बताया था क्लास टेन ले लो एक टेबल या जो भी मर्जी आपको नाम लेना है टेबल का वो डाल देंगे सेट सेट क्या है हमारा ये कमांड होगी विद द हेल्प ऑफ सेट यूज़ करेंगे अपडेट के साथ में तो कॉलम नंबर वन इज इक्वल टू वैल्यू दिस कॉलम नंबर टू वैल्यू दिस वेयर कंडीशन यूज करेंगे अपडेट के लिए अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन ने, नेम सेट नेम इज गल टू राम वेयर सिटी इज गल टू न्यू डेली तो अब हमने क्या करा है जहाँ पे देखो पर अपडेट पर्सनल इंफॉर्मेशन किसका कस्टमर आईडी नेम सिटी और रीजन जो हमने ऊपर जो टेबल बनाया था उसके अंदर क्या करा हमने रवि सेट नेम इज गल टू रवि वेयर हम क्या कर रहे हैं नाम चेंज कर रहे हैं रवि को रिप्लेस किससे कर रहे हैं राम से देखो वन ज़ीरो वन जो आईडी थी हमारा उसमें जो नाम था स्टार्टिंग में हमने रवि फिल किया था बट हम यहाँ पर अपडेट कमांड के थ्रू रवि वेयर सिटी न्यू दिल्ली क्योंकि हमने क्या किया न्यू दिल्ली जो सिटी थी उसके इक्वल में क्या आएगा देखो जो वन ज़ीरो वन है उसका नाम रवि है और सिटी न्यू दिल्ली है और रीजन है साउथ अब अपडेट कमांड से हम कर रहे हैं वन ज़ीरो वन तो ठीक है इसको हम रवि कर रहे हैं और रवि क्यों ले जाए कि जो नेम है वो क्या हो जाएगा रवि हो जाएगा वेयर सिटी सिटी जहाँ पे न्यू दिल्ली है वहाँ पे हमें चेंज करना है नाम को किसको राम की जगह क्या आ जाएगा रवि आ जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होगा टेबल का वो इस फॉर्मेट में आपको विजिबल होगा वन जीरो वन आई डी नेम हमारा चेंज हो गया सिटी न्यू दिल्ली एंड रीजन साउथ वेस्ट तो ऐसे आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं जो एग्जिस एग्जिस्टिंग जो टेबल होगा उसके अंदर ठीक है नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है इसमें डिलीट डिलीट एंड एग्जिटिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल जो रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर हैं एग्जिस्टिंग उसको डिलीट कमांड की हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं सेंटेक्स क्या बनेगा डिलीट फ्राम टेबल टेबल नेम वेयर कंडीशन डिलीट फ्राम पर्सनल इंफॉर्मेशन वेयर नेम इज गल टू राम ठीक है वो जहाँ पे नाम जो नेम है आपका अगर वो राम या रवि है क्योंकि हमने वो मॉडिफाई किया था तो जो रवि या राम नाम का है उसको हम क्या करेंगे उस आईडी को हटा देंगे तो देखो आप देखो 101 जीरो वन आई यहाँ से रिप्लेस हो चुकी है 102 ज़ीरो टू वन ज़ीरो थ्री है लेकिन जो 101 थी उसमें क्या नाम था नेम जो था वो राम और रवि था ठीक है तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे उसके से। तो 101 जीरो वन आई डी इज़ डिलीट क्लियर आई होप आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए लेक्चर को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो अब चलते हैं हमारी सेकेंड कमांड के ऊपर डी क्यू एल डेटा क्वेरी लैंग्वेज डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या करते हैं जब हमें कोई क्वेरी होती है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ठीक है एक्स क्यू एल के अंदर तो वो देखेंगे तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट से सेलेक्ट इज स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम आ टेबल अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल है उससे आपको कोई डेटा रिट्रीव करना है रिक्वायरमेंट है आपको उसको देखना है चेक करना है तब हम क्या करेंगे डी क्यू एल का यूज़ करेंगे the data returned is stored in a result table called the result set click set select column 1 column 2 column 3 and so on from table kaun se column column 1 column 2 column 3 kaun se kahan se use uh, from table name जो भी आपका table है आपका परफॉर्म इंफॉर्मेशन है या क्लास टेन है या table टेबल आपने बनाया कोई भी टेबल आपने बनाया जो भी बस आपने उसका यहाँ पे नाम लिखना है फ्रॉम के बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सेलेक्ट स्टार जो होता है हमारा ये किस लिए होता है ये टेबल को कम्प्लीटली उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्प्ले करेगा जो भी स्ट्रक्चर होगा उसका इंफॉर्मेशन होगी कम्प्लीट टेबल को आपको शो कर देगा सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट नेम एंड सिटी फ्रॉम पर्सनल इंफॉर्मेशन जो टेबल था उसमें से नेम और सिटी को डिस्प्ले कर देगा तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा इस टेबल के अंदर सिर्फ आपको नेम होगा और विजिबल और सिटीज़ विजिबल होंगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल इंफॉर्मेशन रिटीव ऑल द कॉलम्स फ्रॉम पर्सनल इंफॉर्मेशन टेबल अगर आप स्टार करते हो यहाँ पे तो जो पर्सनल इंफॉर्मेशन में जितने भी टेबल्स हैं ठीक है कॉलम्स हैं वो सारे के सारे आपको विजिबल हो जाएंगे ठीक है गुड बुलेट पॉइंट्स को आप नोट करती रहिए ठीक है ठेके? अगर स्पीड ज़्यादा है तो आप उसको पोज कर दीजिए फिर आप रिकॉर्ड्स को अपने नोट्स बनाइए ताकि आपको जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो वो ईजी होगा क्लियर फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं रिकॉर्ड्स को फिल्टर कैसे करते हैं वेयर क्लॉज के साथ में यूज करते हैं फिल्टर ठीक है वेयर क्लॉज इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट ओनली दो रिकॉर्ड्स दैट फुलफ़िल अ स्पेसिफिक स्पेसिफाइड कंडीशन वेयर क्लॉज कहाँ पे यूज़ करें जब भी हमें फ़िल्टर करना है स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर पॉइंट uh, के अकॉर्डिंग अगर हमें डेटा को वापस करना है रिट्रीव करना है चेक करना है देखना है तब हम वेयर क्लॉज को यूज करेंगे ठीक है सेलेक्ट कॉलम नंबर वन टू थ्री फ्रॉम द टेबल वेयर कंडीशन यूज करेंगे ठीक है वेयर क्लॉज लगाएंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सनल इंफॉर्मेशन वेयर सिटी इज गर्ल टू न्यू डेली मतलब जहाँ पर भी सिटी न्यू डेली है उसका सारा का सारा डेटा हमें देखना है तो सिटी अब इसका आउटपुट कैसे निकलेगा सिटी की जो कस्टमर आईडी होगी वो वन जीरो वन है नेम था वो हमारा क्या है राम है सिटी न्यू डेली एंड रीजन था हमारा साउथ वेस्ट तो ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल जाएगी अगर सपोज सिटी हमारा नोएडा करें हम सिटी अगर नोएडा करते हैं तो यहाँ पे आप देखो नोएडा नोएडा सिटी के अंदर क्या था कस्टमर आईडी डी वन जीरो टू नेम शाम एंड रीजन नॉर्थ तो बस आपको ऐसे ही इसको चेंज करना है क्लियर और आप स्पेसिफिक सिटी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं रीजन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं वेल कस्टमर आईडी डी इज गल टू वन जीरो वन तो आपको ये वाला रिकॉर्ड मिल जाएगा कस्टमर आईजी वन जीरो टू डालेंगे आप तो वन जीरो टू और यहाँ पे आपका जो नाम था शाम मिल जाएगा ठीक है नोएडा और वेस्ट रीजन मिल जाएगा क्लियर वेल क्लॉज प्रोडक्ट्स इन एन एक्सप्रेशन विच रेलिट्स टू अ बुलिन वैल्यू टू डिटरमाइन विच रो और सेट रो ऑफ रेलिवेंट टू अ पर्टिकुलर क्वेरी मतलब ये आपको चेक करता है कि जो आपने कमांड दी है वो पहले उसको बुलेंस में भी चेक करता है ठीक है और पर्टिकुलरली उसी पोजिशन पर जाएगा जहाँ पर वो मैच करेगा वेर क्लॉज वी कैन फिल्टर आउट रिकॉर्ड्स ठीक है इसको पॉइंट को नोट कर लो आप आगे चलते हैं वेर क्लॉज के साथ में हम कुछ और कंपेरिजन्स भी यूज़ करते हैं प्रोडिक्ट भी यूज़ करते हैं जैसे आपका इक्वल नॉट इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ठीक है ये सारे के सारे हम क्या करते हैं जब हमें कंपैरिजन करने हैं स्टेटमेंट के अंदर कि भाई कोई चीज़ उससे बड़ी है या उसके बराबर है कोई क्वांटिटी उसके बराबर है या कोई प्राइस उसके बराबर है ठीक है या सैलरी सपोज सैलरी किस कस्टमर की कौन कौन से एम्प्लॉयज़ की सैलरी इससे कम है या ज़्यादा है ठीक है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे पैटर्न मैचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं ठीक है थीके? लाइक कमांड यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ फॉर वाइल्ड कार्ड फिल्टरिंग के लिए फिल्टरिंग हम फिल्टर शॉर्ट आउट करते हैं वाइल्ड कार्ड फिल्टरिंग के लिए हम बिटवीन इन और इज नल यूज करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है वाइल्ड कार्ड्स इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने ठीक है एक एक चीज को नोट करिए आप तो अब क्या करेंगे सेलेक्ट आइटम टाइप नम आइटम सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट बाय एक प्रोडक्ट बाय क्या है हमारा फ्रॉम मतलब ये फ्राम लगाया तो यहाँ पर क्या है ये टेबल का नाम है प्रोडक्ट बाय अब प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा हमारा प्रोडक्ट आइटम होगा प्रोडक्ट का नेम होगा उसकी सेल्स होगी ठीक है अब ये हम किस कौन सी कंडीशन पर लगा रहे हैं सेलेक्ट आइटम टाइप नम आइटम सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट बाय वेयर सेल्स ग्रेटर देन टू थाउजेंड मतलब वो प्रोडक्ट जिसकी सेल टू थाउजेंड से ज़्यादा है वो हमें शो कर देगा ठीक है दूसरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट बाय वेयर स्टोर साइज इज इक्वल टू लार्ज मतलब लार्ज अगर स्टोर साइज है तो उसका वो डेटा हमें शो करेगा ग्रेटर देन टू थाउजेंड होगा तो हमें वो डेटा डेटा शो करेगा बिटवीन कहाँ पे यूज़ करते हैं सेलेक्ट सेल्स आइटम टाइप फ्रॉम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाय क्या आपका ये टेबल है वेयर सेल्स बिटवीन फाइव फिफ्टीन हंड्रेड एंड टू थाउजेंड अगर इसके बीच की सेल है तो वो हमें शो कर देगा इन दोनों वैल्यूज़ के बीच की जितनी भी सेल्स होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी क्लियर इन प्रोडक्ट पेडिकेट सेलेक्ट नम टाइप नम टाइप आइटम जो है आइटम टाइप प्रोडक्ट बाय से वेयर नम टाइप इन ट्वेंटी थ्री कॉमा थर्टी के बीच में होगा तो वो हमें शो करेगा क्लियर है तो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं हम बिटवीन इन इज नल ठीक है इज नल प्रोडिक्स विद अ वेयर क्लॉज इज यूज टू सेलेक्ट रिकॉर्ड इफ अ स्पेसिफाइड कॉलम वॉल्यू वैल्यू कंटेन्सर नल वैल्यू अगर कोई नल वैल्यू है टेबल के अंदर वो हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का टेबल का नाम है ये वेयर आइटम टाइप इज नल अगर नल होगा तो वो उसको शो कर देगा क्लियर द बिटवीन कंडीशन इन कंडीशन एंड नॉट विद बिटवीन कंडीशन अलाउ अस टू टेस्ट इफ अक्सप्रेशन इज़ विद इन अ रेंज ऑफ वैल्यू ये तीनों कंडीशन हम क्या रहता है अगर जो वैल्यू है वो हमारी उस कैटेगरी में लाइक like कर रही है या नहीं कर रही है ठीक है द वैल्यू इन रेंज टेस्ट कैन बी टेक्स्ट डेट और नंबर्स क्लियर द बिटवीन कंडीशन रिटर्न द रिकॉर्ड वेयर एक्सप्रेशन इज विद इन द रेंज ऑफ द वैल्यू वन एंड वैल्यू टू वही हमने देखा था देखो बिटवीन कंडीशन जब हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी थी कि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में अगर वो दे रहा है सेल्स तो वो हमें शो कर देगा टेबल पे क्लियर आई होप सबको समझ में आ रहा है आप प्लीज़ कोई सजेशंस हो तो वो भी आप डाल सकते हैं ठीक है कमेंट्स के अंदर और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए वाइल्ड कार्ड्स आर करैक्टर्स दैट आर यूज टू फिल्टर सर्च डेटा फ्रॉम द डेटा बेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन पैटर्न मतलब किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आपको डेटा को सर्च करना है तब आप वाइल्ड कार्ड्स की यूज़ कर सकते हो एसक्यूर के अंदर दे आर ऑफ़न यूज विद द ऑपरेटर्स लाइक लाइक नॉट लाइक इन जंक्शन विद द वेयर क्लॉज ठीक है ये हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं लाइक नॉट लाइक जंक्शंस विद द वेयर क्लॉज वेयर क्लॉज के साथ में वी विल लुक एट फॉलोइंग वर्ल्ड कार्ड्स परसेंटेज करैक्टर और अंडर स्कोर करेक्टर क्लियर इट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है रिड्यूज टाइम टू फिल्टर आउट बिकॉज क्योंकि हम एक पैटर्न को कर रहे हैं तो पैटर्न के अकॉर्डिंग ज़्यादा जल्दी फिल्टर कर सकते हो ईजीली फिल्टर कर सकते हो एक आ, सिमिलर जो होंगे वो एक साइड में हो जाएंगे ठीक है कैन नॉट कम कॉम्प्लेक्स क्वेरी इन टू अ सिंपल और आर यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स ठीक है कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सिंपल क्वेरी में कन्वर्ट कर देता है यूजफुल टू डेवलप पावरफुल सर्च इंजन इन लार्ज डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन ठीक है सर्च इंजन को फास्ट कर देता है उसको ईजी करता है डेवलप करने में वाइल्ड कार्ड फिल्टरिंग यूज इन केसेज केसेज के अंदर भी यूज करते हैं इसको डोंट स्पेल नेम बट नो द लेटर अगर आपको किसी लेटर के स्पेल uh, करना नहीं आता बोलना नहीं आता बट उसके लेटर्स पता है तो आप लेटर्स लिखेंगे तो वो पूरा वर्ड गैस करके या मैक्सिमम सिमिलैरिटी के साथ में वो आपको रिटर्न करेगा डोंट नो सॉन्ग बट लिरिक्स सॉन्ग का नाम नहीं पता बट आपको लिरिक्स पता है तब भी वो सॉन्ग आपको लिए ढूंढ के दे देगा अपने डेटा बेस के अंदर से क्लियर सपोज यहाँ पे इसका से, वो सेंटेक्स कैसे लिखेंगे सेलेक्ट स्कूल टाइटल एग्जाम्पल है फ्रॉम ओ टी डेटा बेस वेयर स्कूल टाइटल लाइक परसेंटेज एज सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिर परसेंटेज तो मतलब अब वो क्या करेगा जो बीच का जो आपने डेटा दिया है ना इसको सेलेक्ट करेगा ठीक है इससे कंपेयर करेगा उसके आगे पीछे जितना भी होगा वो आपको जिसमें मैच खाएगा वो आपको रिजल्ट कर देगा वाइल्ड कार्ड फिल्टर अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड अंडरस्कोर स्कोर यूज इधर फर्स्ट लास्ट एंड बोथ साइड मतलब आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं लास्ट में भी और दोनों जगह भी आप यूज कर सकते हो अंडरस्कोर और बीच में आपका क्या होगा टेक्स्ट होगा क्लियर तो यहाँ पे भी देखो एग्जाम्पल में देखो फर्स्ट प्लेस पे हमने अंडरस्कोर किया फिर हमने ट्रिपल एक्स डाला और फिर हमने हाइफन लगा के उसको लिख दिया तो स्टार्ट विद एनी सिंगल करेक्टर एंड एंड विद ट्रिपल एक्स किसी भी एक सिंगल करेक्टर से स्टार्ट हो सकता है लेकिन एंड हमारा ट्रिपल एक्स से होगा ठीक है या ट्रिपल एक्स बीच में होगा दोनों तरफ हमारे कोई अल्फ़ाबेट्स होंगे या वर्ड होगा जो हमें नहीं पता वो हमें एसक्यूएल की क्वेरी ढूंढ के देगी ठीक है कॉलम विल कंटेन द स्ट्रिंग ट्रिपल एक्स दैट स्टार्ट एंड एंड विद द एनी सिंगल करेक्टर यूज एट लीस्ट लास्ट करेक्टर में भी यूज कर सकते हैं लास्ट में अंडरस्कोर स्टार्ट विद ट्रिपल एक्स फॉलोइंग द्वारा एन ए सिंगल करेक्टर ठीक है ट्रिपल एक्स से स्टार्ट कर सकते हैं फिर बाद में डाल सकते हैं अंडरस्कोर यू कैन यूज नंबर एन नंबर ऑफ अंडर स्कोर करेक्टर फॉर मैचिंग इन नंबर ऑफ करेक्टर क्लियर सेलेक्ट मूवी टाइटल ग्रॉस फ्रॉम मूवी डेटाबेस से वेयर ग्रॉस लाइक फोर स्टार्टिंग में है फिर हमने अंडर स्कोर लगाया तो मतलब ये जो उसका कोई सीरियल uh, नंबर है कुछ भी है तो फोर तो स्टार्टिंग के जितने भी होंगे वो फोर दे देगा और बाद में जो होगा वो आपको आउटपुट में दे देगा उसके बाद में कोई ठीक है ठीक है अब इसने मूवी का टाइटल हमें क्या दे दिया लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जिसका फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमारा क्या था स्टार्टिंग सीरीज थी उसकी तो उसका नाम क्या है हमारा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सपोज एग्जाम्पल है आप उसके लिए क्वेरी किसी भी तरह से लिख सकते हैं क्लियर शॉर्टिंग रिकॉर्ड्स कैसे करते हैं रिकॉर्ड्स को शॉर्ट कैसे करते हैं एस के अंदर ऑर्डर बाय से करते हैं ऑर्डर बाय के साथ में हम डिक्रीज और इंक्रीजिंग भी लगा सकते हैं वैसे वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है ठीक है ऑर्डर बाय कॉज यूज टू बाय असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कस्टमर आईडी फुल नेम सिटी इनकम फ्रॉम पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर्सनल इन्फॉर्मेशन टेबल है जिसमें से हमें कस्टमर आईडी फुल नेम सिटी और इनकम हमें सेलेक्ट करनी है तो हमार ऑर्डर बाय इनकम मतलब इनकम के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका मतलब वो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में देगा तो पैंतालीस सौ फोर्टी फाइव हंड्रेड फोर्टी नाइन और सिक्स थाउजेंड ठीक है इस तरीके से इसने हमें दे दिए इसने क्या किया इनकम के बेसिस पे इसने ऑर्डर बनाया है इनकम के बेसिस पे क्लियर नेक्स्ट देखते हैं एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं एग्रीगेट फंक्शंस नेमली काउंट सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम एंड डिस्टिंग सेलेक्ट काउंट स्टार्ट फ्रॉम माय सेल्स मतलब ये क्या करेगा सेल्स को काउंट करके बताएगा सेलेक्ट एवरेज ये करेगा उसकी एवरेज कर देगा ठीक है सेलेक्ट माय एवरेज सेल्स फ्रॉम द माय सेल्स टेबल माय सेल्स टेबल से सेलेक्ट मिनिमम सेल मिनिमम सेल्स निकाल कर दे देगा किसी अगर बच किसी भी एम्प्लॉय की अगर मिनिमम सेल्स है या उसका ठीक है तो वो दे देगा आपको निकाल के सेलेक्ट मैक्सिमम सेल्स किसी ने ज़्यादा सेल की है जनवरी के अंदर या फेब के अंदर ठीक है पर किसी भी वीक में किसी ने ज़्यादा सेल किया तो वो आपको निकाल के दे देगा दे इससे ठीक है अब ये क्या होता है ग्रुप बाय ग्रुप बाय ग्रुप रोज दैट हैव द सेम वैल्यू इन टू द सेम रोज लाइक द नंबर ऑफ प्रोटेंस ईच हॉस्पिटल पेशेंट्स ऑन ईच हॉस्पिटल सेलेक्ट मैक्सिमम सेल्स फ्रॉम माई सेल्स टेबल सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम माई सेल्स अभी कह रहा है कि मैक्सिमम सेल्स जो थी प्रोडक्ट के नाम के साथ में उसने दे दिया देखो प्रोडक्ट ये रहा नेम फ्रूट्स वेजिटेबल्स डेली प्रोडक्ट्स फ्रूट्स और डेज ठीक है और ये आउटपुट में हमें मिलेगा इस क्वेरी से सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट नेम देखना है सम सेल्स फ्रॉम माई सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग उसकी सेल्स उसने शो कर दी है ठीक है प्रोडक्ट नेम ये रहा और सेल्स यियरिंग ग्रुप बाय क्या क्या उसने प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग क्लियर कि फ्रूट्स हैं फ्रूट्स की सेल कितनी हुई है कितनी हुई है वेजिटेबल्स हैं ये सेल है डेली प्रोडक्ट्स हैं उसका ये सेल है सेलेक्ट मैथ्स मंथ्स सम सेल्स फ्रॉम माय सेल्स कौन से मंथ में कितनी सेल हुई है उसकी ठीक है तो सेम ये दोनों का सेम ऑलमोस्ट सेम सही है तो आपको इसी से मिलेगी सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम मिनिमम सेल्स फ्रॉम माय सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग निकाल देंगे फिर उसने मंथ्स प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग निकाल दिया ठीक है क्वेरी को आप उल्टा सीधा करके आपको जो रिक्वायरमेंट टेबल बड़ा अगर टेबल है काफी कंटेंट है उसमें तो जो उनसे आपको क्या नाम है कॉलम्स चाहिए आप उसको क्वेरी में डाल सकते हैं वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट फोर्थ है आपका डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये क्या करता है बेसिकली अगर आपके पास डेटा है तो सारे एम्प्लॉयज़ को सारे जो भी यूज़र्स हैं सबको सारा डेटा नहीं देना ठीक है सबको सब चीज़ों का एक्सेस नहीं होता कंपनी में कभी भी तो किसी को परमिशन रिस्ट्रिक्ट करनी है वहाँ पे हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज करते हैं परमिट टू यूजर टू एक्सेस मॉडिफाई वर्क ऑन अ डिफरेंट प्रिवलेजेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डेटा ठीक है इससे सिक्योरिटी बनी जाती है और प्रॉब्लम्स भी होती है तो इसमें होता है ग्रांट टू गिव एक्सेस टू किसी को आपने परमिशन दे दी ग्रांट कर दे कि वो डेटा को देख सकता है मॉडिफाई कर सकता है और रिवोक रिफ्रेम टेक बैक एक्सेस अगर उसने कंपनी छोड़ दी तो अब उससे आप एक्सेस वापस ले लोगे सो so दैट कि वो जब जाए तो उस बाद में उसको यूज ना कर पाए या शेयर ना कर पाए कहीं पर भी ठीक है विद ड्रॉइंग द परमिशन दैट वॉज अथोराइज टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क ठीक है तो समझ में आ गया डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ठीक है इसमें ग्रांट और रिवोक कमांड यूज होती है क्लियर चलो नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजेक्शन कंट्रोल यूनिट क्या होता है टी सी एल कमांड्स कॉमेट इंपॉर्टेंट कमांड सेव डेटा परमानेंटली सेव होता है अगर कॉमेट हो रहा back, है तो रोल बैक रिस्टोर द डेटा टू इट्स ओरिजिनल स्टेट अगर डेटा के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं आपने पूरे खोला प्रोसेस के अंदर फिर रोल बैक करोगे तो डेटा जो होगा वो अपनी पोजीशन पे स्टार्टिंग में जाके जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही स्टोर रहेगा सेव पॉइंट सेव पॉइंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट टेम्पररी इट मींस जब भी देखो क्या होता है पहले अगर आपने बहुत सारे डेटा पे काम कर रहे हो तो वो पहले दस परसेंट सेव हो जाएगा ठीक है फिर आप काम कर रहे हो फिर बीस परसेंट सेव हो जाएगा मतलब आप काम करते जा रहे हो वो सेव होता जा रहा है ऑटोमेटिकली ठीक है सेव पॉइंट के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये था आज का चैप्टर एस क्यूल का थैंक यू सो मच आपने ध्यान से सुना नोट्स बनाए उसके लिए अगर कहीं पर भी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या किसी नए टॉपिक पर आपको कोई डाउट हो रहा है किसी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है थैंक यू सो मच लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को